लेकिन जिनके नहीं है उनको एक साधन बताऊं मैं, मांगना जरूर मांगना, पुत्र ही मांगना, भगवान से ही मांगना, और देने वाला भगवान ही है, कोई और दे भी नहीं सकता, भगवान के सिवा तुम्हें ये रत्न कोई नहीं देगा, भगवान ही देगा। लेकिन जब पुत्र मांगने जाओ ना भगवान से, तो एक बात जरूर कहना, पुत्र तो देना सर, लेकिन सुपुत्र देना, कुपुत्र मत दे देना। अगर कुपुत्र दिया तो मेरी कोख को लज्जित कर देगा वो, मां बाप के संस्कार को बर्बाद कर देगा वो। कौन? अगर कुपुत्र हो गया, किसी ने भी अगर एक भी बार यह कह दिया क्या ऐसा ही पुत्र तूने जना है, तो तेरी कोख लज्जित हो जाएगी, तेरी कोख शर्मिंदगी महसूस करेगी। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। और अगर कुपुत्र हो गया तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। मां ममता से युक्त, मां जब अपने बेटे को दूध पिलाती है तो ममता भरा आंचल जब अपना पुत्र के मुख में देती है, उस दूध को जब वो पिलाती है तो दूध को पिलाते वक्त वो कहती है, ये तेरा पापा है। कौन है? ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना। जब मां अपना दूध पिलाते वक्त, क्या बेटा जानता है मेरा बाप कौन है? बोलिए। बाप अपने मूछे तान के कहता है, आई एम डैडी। अरे चल फूट, काहे का डैडी? इसका डैडी कौन है? ये बच्चा उसी को मानेगा जिसको इसकी मां कहेगी, तुझे नहीं मानेगा। तू कितना भी कह ले कि मैं डैडी हूं, वो नहीं मानेगा। लेकिन मां जब कह देगी कि तू डैडी है, तो स्टाम्प लग जाएगा, मोहर लग जाएगी, और पक्का हो जाएगा कि हां तू ही डैडी है। बच्चा किसकी मानेगा, मां की या डैडी की? वो बताएगा ये तेरा बाप है, उसे बाप मान लेगी, उसे पिता मान लेगा बच्चा। लेकिन मां ममता भरा दूध पिलाते हुई जब ये कहती है पापा है, ये तेरा डैडी है, तो बेटा मान लेता है ये डैडी है। लेकिन हे भारत की माताओं, मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं, सबको निभानी चाहिए। एक आंचल का दूध पिलाते वक्त कहती हो तुम्हारा पिता है, तो वो तुम्हारे पति को पहचान लेता है। वैसे ही तुम संस्कार का अमृत उसे पिलाते हुए कहना कि वो परमात्मा तुम्हारा पिता है, तो वो भी जान जाएगा, जैसे इसको जाना वैसे उसे भी जान जाएगा। इस पिता को जना दिया और उस परम पिता को नहीं जनाया, तो माफ करना, तेरा दूध पिलाना बेकार हो जाए। ये पिता तो मतलब की बात सुनाएगा, भाई पढ़ जा, इंटेलिजेंट थोड़ा ठीक ठाक हो ले, पढ़ लिख जा, कुछ कमाना सीख ले। ये बाप वही सिखाएगा जो इसके बुढ़ापे में काम आ सके, लेकिन वो बाप ये नहीं सिखाएगा। वो बाप ये कहेगा, कुछ ऐसा कर ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब तू मेरे पास आए तो मुझसे तुझे नजरें न चुरानी पड़े, मुझसे तू नजरें मिला सके। कुछ ऐसा कर ले, तू कुछ ऐसा कर ले जो नजरें मिला सके, मुझसे नजरें तुझे चुरानी न पड़े। लेकिन ये काम कौन करेगा? मां। साधारण बाप का परिचय कराने वाली मां, असली बाप का भी परिचय तुम्ही को कराना होगा। आज मेरे भारत के बच्चे क्लब में डांस करते हैं, ये मेरे भारत का भविष्य अच्छा नहीं है। आज भारत का नौजवान मदिरा पान करता है, ये मेरे भारत का भविष्य अच्छा नहीं है। अगर लड़कियों से चरित्र का सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो लड़कों से सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया जाएगा? पूछिए, क्या लड़कों के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए? और वो सब संस्कार कौन देगी? मां। ये सब कौन सिखाएगी? मां। क्योंकि बच्चे की जो पहली मां है, पहला गुरु है, वो मां है। फर्स्ट टीचर है वो, पहला गुरु है वो। और जब मां ममता का दूध पिलाते, पिलाने के साथ साथ
संस्कार का अमृत जब पिलाने लग जाती है तो वो पिता और परम पिता दोनों को जान जाता है, और फिर तेरा बच्चा गलत जी नहीं जाएगा, फिर तो वो ब्रजवासी बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा, मेरा वादा। हे माओ, मेरी बात को साधारण मत समझना। अगर तुम अपने बच्चे का हित चाहती हो तो पिता और परम पिता दोनों का परिचय कराना अपने बच्चे को, और अगर एक का ही परिचय कराया और बच्चा अगर गुनहगार बन गया, अपराधी बन गया, चोर लुटेरा मदिरालय में जाने लगा, जुआलय में जाने लगा, उसकी जिम्मेवार माँ होगी, सेकंड डैडी होगा, लेकिन फर्स्ट माँ, सेकंड डैडी, फर्स्ट माँ ही रहेगी। इसलिए पिता का परिचय कराते वक्त परम पिता का परिचय कराना कभी ना भूले, कभी नहीं। पुत्र नहीं है दुख है, आत्मदेव की पत्नी धुंधली, उसे कोई दुख नहीं, वो नहीं चाहती पुत्र हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो ठीक नहीं हो तो ठीक, क्योंकि वो थोड़ी सी अपने फिगर के बारे में ज्यादा सोचते। कई माताएं हैं साहब, मेरे को कई मिली हैं साहब ऐसी, महाराज थोड़ा अडॉप्ट कर लेंगे, काश तुझे भी अडॉप्ट कर लिया होता कहीं से। अगर अडॉप्ट करने पे आ जाए तो फिर तो बच्चे हो ही ना, अडॉप्ट कितने करेंगे, जितने होंगे उतने ही तो करेंगे। ये पाश्चात्य कल्चर हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए साहब, अब पता नहीं क्या क्या सुधारे, क्या क्या सुधारे, सब बिगड़ने वाला तो काम चल रहा है, न्याय क्या, ऐसे ऐसे दुर्ग, भगवान बचाए। बस मैं तो कहूंगा अपने बचपन में ही बच्चों को आप जो है संस्कार का अमृत पिला दो, बस यही हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है। फिर भी संत के पास में गए, संत ने फल दिया, फल को कहा इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, तो उनको पुत्र होगा, हमारा आशीर्वाद है। उस फल को लेकर पत्नी के पास में आए, फल जब लिया तो आप सब जानते इस कथा को, फल गाय को खिलाया गया, उसकी बहन के पुत्र हुआ बुलाया, और पुत्र कैसा धुंधकारी महाखल, बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय माँ ने क्या कर्म किया उसका असर बच्चे पे पड़ता ही है। अभिमन्यु की कथा जग जाई रहे, है या नहीं है, है 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 ना है। मैं कितनी बार कहता हूं उसे असर भी पड़ा है, काफी माताएं बहन उस स्थिति में अब तो सिर्फ अस्थाई चैनल देखती हैं, सच्ची बात है। अभी एक जगह में गया था तो वो बता रही थी, महाराज हमने तो आपकी कैसेट मंगा रखी है, आप ही की सुनते हैं। मैंने बहुत बढ़िया, हमारे जैसे ही पागल पैदा करोगी और क्या करोगी। पता है उसकी दादी माँ ने क्या कहा, महाराज सच कहते हो आप तो एकदम पागल जैसे ही लगते हो। जब कथा करते हो तो भक्ति में पागल जी हो जाते हो। हमने कहा माँ जितना लगते हैं उतने हैं नहीं, काश हो जाएं, भगवान की भक्ति में पूर्णतः पागल हो जाएं, कुछ और शेष ना रहे, पूर्णतः। तो मेरे भाई बहन, धुंधकारी माखल बड़ा हुआ तो उसका आचरण दिखता है, गाय को पुत्र हुआ उसका नाम है गौकर्ण, साथ में बच्चों को खिलाने ले गया, उसके बच्चे का कंठ दबाया कुएं में, गोविंदा नमो नमः उपक्रम है, थोड़ा बोलना तो पड़ेगा ही ना, क्रम बनाना है भागवत का, गए और उसको कुएं में डाल दिया। घर वालों ने शिकायत की कि ये कैसा दुष्ट पैदा किया है। आत्मदेव रोने लगे, इससे तो पहले ही बढ़िया था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था, जब नहीं था तब भी रो रहे थे, अब है तब भी रो रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार, दुनिया में सब दुखी है, अगर कोई सुखी है तो जो भगवान का नाम जपे वो सुखी, और जो भगवान का नाम भूल जाए वो हमेशा दुखी, हमेशा। बोलो कौन कौन सुखी होना चाहता है, सारे लोग पक्का। अगर सुखी होना चाहते हो तो जीवन में कभी भगवान का नाम मत भूलना, कभी नहीं, और जब तक तुम नाम नहीं भूलोगे मैं दावे से कहता हूं भगवान तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा, हमेशा तुम सुखी रहोगे। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर है तो भगवान का नाम भूल जाना सबसे बड़ा दुख है,
और भगवान के नाम का याद रखना, स्मरण रखना, ये सबसे बड़ा सुख है। अभी आप, मैं जब भजन गा रहा था, कितनी मस्ती में आप नाच रहे थे ना, क्यों नाच रहे थे? मैंने कहा था, मैंने तो कहा बैठ जाओ, फिर भी कई लोग नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि महाराज आनंद आ रहा है, ये घर में आनंद थोड़ी आएगा, ये आनंद घर में नहीं आ सकता, ये आनंद कहां आएगा? सेलेक्टेड लोगों को ये आनंद आएगा, जो भगवान ने सेलेक्ट करके यहां भेजा है।